अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान मंसूर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी बजट फैमिली। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ओके। आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से गेस तो कर लिया होगा कि किस बारे में ये वीडियो है। जी हाँ, मैंने कुछ मुर्गियाँ घर में लाया हूँ रखने के लिए और इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं और आई एम श्योर मैं वो रीज़न्स आपके साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को भी हेल्पफुल रहेंगे इफ़ एनीबडी इज़ थिंकिंग ऑफ कीपिंग कुछ मुर्गियाँ वगैरह घर में। सो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस सारी चीज़ को एक केस स्टडी लेके समझ के चल रहा हूँ और इस केस स्टडी में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आंसर करने हैं। सबसे पहली बात तो ये, वी ऑल नो कि बॉयलर मुर्गी और उसके अंडे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। और मेरा पहला पॉइंट ये है कि मुझे कितनी क्वांटिटी इनकी रखनी पड़ेगी कि इनिशियली एटलीस्ट मैं घर के अंडे घर की मुर्गियों से ले सकूं कि घर की कंजम्पशन मेरी पूरी हो जाए। फर्स्ट स्टेप ये है, इवेंचुअली मैं जाऊंगा कि मीट की कंजम्पशन पे, बट इनिशियली हम फोकस करेंगे एग्स की कंजम्पशन के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये है कि लाहौर में एटलीस्ट नॉर्मल अंडे जो हैं दर्जन वो तकरीबन 300 रुपये हिट कर चुके हैं और इसी तरह मुर्गी का रेट भी ज़्यादा है। सो इट इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। वी ऑल नो कि देसी मुर्गी के अंडे और मीट इज़ गुड, जो कि हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, बट मुझे कॉस्ट वाइज वुड इट बी चीपर फॉर मी कि मैं देसी मुर्गी घर के अंदर रख के उनको, हाउ इजी इट वुड बी टू कीप देम और उस कॉस्ट वाइज मुझे कितना पड़ते हैं कंपेयर टू कि अगर मैं बाज़ार से अंडे लेता हूँ। सो दैट अगर इट्स चीपर तो वन शुड गो फॉर दिस, अदरवाइज द अदर ऑप्शन, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरा पॉइंट जो कि मेरा है वो है कि मैं इसको एक स्मॉल स्केल बिज़नेस पोटेंशियल के तौर पे भी देख रहा हूँ। इनिशियली तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपडेट्स के घर की कंजम्पशन के ऊपर, बट इवेंचुअली इसको देखेंगे एक बिज़नेस स्मॉल स्केल बिज़नेस पर्सपेक्टिव की तरफ से भी, क्योंकि दिस इज़ द ईजीएस्ट काइंड ऑफ एनिमल फार्मिंग जो कि आप घर में भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में एंड ओवर अ पीरियड मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आंसर करूँगा, सो दैट आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि आप लोग अगर इन केस ख़रीदने जाना चाह रहे हों। सबसे पहली बात तो ये है कि डिफरेंट टाइप की मुर्गियाँ होती हैं और उनका उस हिसाब से रेट होता है, कुछ खूबसूरती के लिए होती हैं, कुछ अंडे के प्रोडक्शन, कुछ मीट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्टर लूप जो है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और सबसे एक्सपेंसिव है आउट ऑफ दिस बंच और उसका अंडा एक्सपेंसिव है, इसी तरह वन डे चिक। तो इसमें साइंस क्या होती है, पहला रेट होता है कि कौन सी टाइप की आप मुर्गी ख़रीदना चाह रहे हो, दूसरी बात यह है क्या एज ब्रैकेट है। फॉर एग्जांपल अंडे का रेट कुछ और होगा, वन वीक ओल्ड का कुछ और होगा, वन मंथ का कुछ और होगा रिस्पेक्टिवली। तो ये एक तो चीज़ होती है। दूसरी बात ये है, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप अगर तो ख़रीदने जा रहे हैं तो कम से कम 4.5-5 माह की मुर्गी जो है ना वो ख़रीद के लाएँ। उसमें आपको फ़ायदा क्या है, एक तो ये कि उनके फ़र वगैरह सारा कुछ इतना इस साइज़ के हो जाती हैं कि वो अपना ख्याल कर सकती हैं, आप उनको खुला छोड़ सकते हो, बट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है क्योंकि बिल्लियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ ना उनको तंग करे। अच्छा, एक चीज़ ये होगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको 4.5-5 माह की मुर्गी की ना वैक्सीनेशन जो इनिशियल होती है ना वो हो ही हुई होती है, तो आपको वो परेशानी सर लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो ऑलरेडी वैक्सीन होंगी तो आप सुकून में रहेंगे। इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाला ये है कि अगर इनको बुखार या पेट ख़राब या इस तरह की छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं ना, तो इनको जो नॉर्मल हम लोग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मेडिसिन होती है ना इन बीमारियों के लिए, आप वो इनको दे सकते हैं, बट उसकी कुछ रेशो होती है, वो आप किसी भी वेटनरी डॉक्टर से पूछ सकते हैं या जिससे ख़रीदी है उससे पूछ सकते हैं कि इन केस अगर हो तो, यानी घर की मेडिसिन से ही आप इनका इलाज भी कर सकते हैं। एक और पॉइंट ये है, इनकी रेशो होती है 4:1, यानी 4 मुर्गियों के लिए एक मुर्गा, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है जब आप ख़रीदने जाएं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी आता है कि इनको रखने की वजह से घर में स्मेल हो सकती है या जिस एरिया में रखे उधर स्मेल हो सकती है, बिल्कुल ऐसा है। उसके लिए एटलीस्ट मैंने जो किया जो मैं अभी आपको दिखाऊँगा अभी, वो ये है कि मैंने इन्हें गली में घर के रखा है जहाँ पर कॉन्स्टेंटली हवा चलती रहती है। दूसरी बात ये है कि आप इनके लिए जो पिंजरा बनाएंगे उसके अंदर रेत डाल दें। रेत में ये है कि अगर कोई गंद वगैरह करती भी हैं तो वो खुद ही उसके ऊपर रेत जो है फेंक देंगी, तो स्मेल रिलेटिवली कम होगी और हर दूसरे या तीसरे दिन आप उस जगह को पानी से साफ़ कर ले तो कोई इतना इशू नहीं होगा। और एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि बिल्लियाँ
से इनको बचा के रखना है, क्योंकि वो इनको यानी इनके पीछे पड़ी होती हैं तो वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। वंस थोड़ी सी एज 7-8 माह की हो जाए तो फिर ये अपना ख्याल कर सकती हैं, बट इनिशियली आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। अब मैं आपके साथ चलता हूँ, चल के आपको मैं कॉस्ट फैक्टर बताता हूँ और बताता हूँ कि मैंने कौन सी टाइप ख़रीदी, क्या क्वांटिटी थी, वो सारी डिटेल्स। तो अब पिंजरे की तरफ चलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको उधर चल के बताता हूँ। तो ये इनका पिंजरा है जिसका साइज़ तकरीबन 4 फीट बाय 4 फीट बाय 3.5 फुट के करीब है, और इसके अंदर मैंने टोटल 10 मुर्गियां और मुर्गे रखे हैं, 8 मुर्गियां और 2 मुर्गे। और मुझे जो पिंजरे की कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है तकरीबन 3600-4000 के अंदर, और इसके साथ इनके फीड के भी 2 बर्तन होते हैं, पानी का अलग है और इनका जो फीड है दानों का वो अलग है। इनको मैं टोटली ऑर्गेनिक फीड दे रहा हूँ और वो फीड जो है तकरीबन 50 रुपये किलो मिल जाती है आपको। इनऑर्गेनिक का भी लोग कह रहे थे बट मेरा फोकस ऑर्गेनिक की तरफ है तो वो कर रहे हैं। मुर्गियाँ मैं अब आपको चल के दिखाता हूँ और उनकी कॉस्ट भी बताता हूँ। अच्छा, जो टाइप ऑफ मुर्गियाँ मैंने ली हैं वो है रीर या RIR आप उसे कह लें, और इनकी साल की तकरीबन प्रोडक्शन होती है अंडों की तकरीबन 200 से 250 के दरमियान, और ये मैं अगेन 4.5-5 माह की लेके आया था और ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी थी क्योंकि मेरे दोस्त का अपना मुर्गियों का फार्म है तो मैंने उससे उठा ली थी। आप अगर लेने जाएंगे तो ज़ेहन में रखें कि रफली आपको 5 से 6 हज़ार मज़ीद इस यानी मुर्गियों की कॉस्ट पड़ जाएगी इस एज में। आपको मुर्गियाँ दिखाता हूँ। ये हैं मुर्गियाँ, थोड़ी सी डर रही हैं बट ये हैं मुर्गियाँ जो कि खेल भी रही हैं, और होपफुली और 10-15 दिनों में ये लोग अंडे भी देना शुरू कर देंगी। और अगेन अब टोटल कॉस्ट की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी मुर्गियाँ और पिंजरा वगैरह ख़रीद के तो रफली 10,000 रुपये आपका लगेगा, और विद इन मंथ और सो आपके एटलीस्ट घर में अंडे थोड़े बहुत आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बेसिकली सारी डिटेल है इस वीडियो के अंदर इसकी। अब एज़ द थिंग्स गोज़ ऑन जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा कि किस तरह आगे चीज़ें लेके चलना है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।